नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में। खबर आप देख सकते हो, पहली बार इंडिया ने अपॉइंट किया है फर्स्ट नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो हम लोग इस डिस्कशन में बात करेंगे, पहला NMSC यानी कि नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन है, NMSC की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे, और हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो चुके हैं, 75 साल बाद पहली बार NMSC को अपॉइंट क्यों किया जा रहा है। ये बहुत ही विडंबना की बात है कि इंडिपेंडेंस की आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और तभी 75 साल बाद फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज किया है हम लोगों ने कि मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच हैव इवेंचुअली लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ NMSC, और अंत में हम लोग इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, स्टे विद मी ऑन स्टडी IQ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सहगांवकर, आप मुझे इस ID पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, डू विजिट studyIQ.com या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डू नोट दैट अगर आप कोई भी यहां पे कोर्स खरीदोगे, जस्ट यूज द कोड Rahul33, आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। ₹1000 का कोर्स है तो आपको ₹666 में वो मिल जाएगा। राइट, विद दैट नोट लेट्स बिगिन द डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया है नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर 14 साल बाद। 26/11 का इंसिडेंट हुआ था 2008 में, 14 ईयर्स आफ्टर दैट वी हैव अपॉइंटेड द फर्स्ट NMSC। अब ये मैं जैसे कि हमने बताया, ये काफ़ी विडंबना की बात है। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो हम लोग हमेशा कहते हैं इंडिया की जो मैरिटाइम बाउंड्रीज है 7,500 किलोमीटर की हमारी मैरिटाइम बाउंड्री। बहुत बड़ा हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बहुत सारे राज्य हैं, 13 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की मैरिटाइम बॉर्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मेजर स्टेट्स जो कोस्टल स्टेट्स हैं, यानी कि यहाँ पे कोस्टल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन 75 साल बाद कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि हम लोगों ने एक NMSC को अपॉइंट किया हुआ, विच इज़ क्वाइट इनएक्सप्लिकेबल। ये क्यों हुआ, वाई 75 ईयर्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सालों तक, मैं कहूँगा बहुत दशकों तक इंडिया ने इंडियन ओशन को इग्नोर किया हुआ, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को इग्नोर किया हुआ है। इंडियन ओशन, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट बॉडी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन गुजरती है। यहाँ से जो भी हमारा ऑयल ट्रेड गुजरता है, 80% ऑफ सी बॉर्न ऑयल ट्रेड जो आता है यहीं से गुजरता है। यहीं पे चोक पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहीं पे मिलेगा, जो कहा जाता है कि चिकन नेक ऑफ चाइना है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस पूरे रीजन में। बहुत ज़्यादा तेल के रिजर्व्स भी हैं, 16.8% ऑफ वर्ल्ड्स प्रूवन रिजर्व्स आर फाउंड इन इंडियन ओशन। नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिलते हैं अराउंड 28%। ये तो हो गया आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जो स्टील हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो हर जगह पे बेसिकली यूज होता है, 35% ऑफ स्टील प्रोडक्शन इट हैपन्स इन इंडियन ओशन इकोनॉमीज, और इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर भी है। इन सब चीज़ों के बावजूद, इतनी इंपॉर्टेंस के बावजूद, कितने साल लगे हमें, 75 ईयर्स लगे NMSC को अपॉइंट करने में। ये क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा रीज़न है 26/11, क्योंकि 26/11 में क्या हुआ था, 26 नवंबर 2008 में क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ, एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ इंडिया। कुछ आतंकवादी पाकिस्तान से आए पानी के रास्ते, थ्रू सी रूट दे केम टू मुंबई, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इतना बड़ा इंसिडेंट था कि पूरा देश दहल उठा, पूरी दुनिया दहल उठी। आज भी जस्टिस नहीं मिला है, परपेट्रेटर्स जो है, परपेट्रेटर्स को अभी भी कैच करना है। पाकिस्तान विच इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट हैज नॉट पेड एनी पनिशमेंट्स, राइट, हैज नॉट गॉट एनी पनिशमेंट। अभी भी रिसेंटली भी हम लोगों ने बात की कि क्वाड की समिट में भी ये कहा गया 26/11 के जो परपेट्रेटर्स है, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। 26/11 इंसिडेंट के बाद हमें पता चला दैट वी नीड टू स्ट्रेंथन द मैरिटाइम डोमेन, और तब से लेकर हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं। अब 26/11 तो एक ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन मैं कहूँगा पिछले एक दशक में पूरे इंडियन ओशन रीजन की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो NMSC है हमारे, जो अपॉइंटेड है, उनके सामने क्या चैलेंजेस आएंगे। तब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन, वहाँ पे विल अंडरस्टैंड इन द लास्ट डेकेड व्हाट इज हैपनिंग। बट 26/11 के बाद हम लोगों ने अपनी मैरिटाइम डोमेन को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए। 2009 में नेशनल कमेटी फॉर कोस्टल एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी सेटअप की गई। 2009 में हम लोगों ने सागर प्रहारी बल भी बनाया, ऑलमोस्ट 2000 स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाई एज सागर प्रहारी बल।
इसके अलावा 2013 में सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी भी बनी। 2016 में हम लोगों ने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोस्टल सिक्योरिटी कमिटीज बनाई। 2018 में हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाया, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क, NC3I नेटवर्क। नेशनल अकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग बनी गुजरात में ओखा में 2019 में हम लोगों ने MDA डॉक्ट्रिन दी, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के ऊपर इंपॉर्टेंस हम लोगों ने दिखाई। और 2020 में नेशनल मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर भी बना। और अभी 2022 में क्या हुआ है, 2022 में हम लोगों ने NMSC नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया है। इनफैक्ट ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट की क्रिएशन पिछले साल ही क्लियर कर दी गई थी बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। और इस साल रिटायर्ड वाइस एडमिरल, याद रखिएगा, जी अशोक कुमार, ये सवाल आ सकता है अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इट इज रिटायर्ड वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, जो हमारे देश के पहले नेशनल सिक्योरिटी मैरिटाइम कोऑर्डिनेटर बनेंगे। ही हैज बीन द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बिफोर। ऑलराइट, तो ये हमारे NMSC। अब NMSC के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे, ऑल दो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा क्लियर होंगे, लेकिन अभी ये पता चला है कि NMSC विल फंक्शन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। The National Maritime Security Coordinator will work very closely with the National Security Council Secretariat. और अभी फिलहाल NSA कौन है, अजीत डोवल, तो उनके साथ काम करेंगे NMSC, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो कोऑर्डिनेट करे इंडिया की नेवी, इंडिया की कोस्ट गार्ड और दूसरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट कोस्टल एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया 13 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में कोस्टल एरियाज है, तो वहां पे कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन लाएंगे अमॉन्ग ऑल द फोर्सेस, नेवी, कोस्ट गार्ड और मैरिटाइम पुलिस, मैरिटाइम पेट्रोल पर्सनल जो है, उन सब लोगों में एक कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन लाने का रोल अभी दिया गया है टू द NMSC नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जी अशोक कुमार। अब जी अशोक कुमार के सामने क्या चैलेंजेस आएंगे, देखिए उस समय पे NMSC बना है जब इंडियन ओशन रीजन में बहुत सारे चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले 10 सालों में इंडियन ओशन रीजन का इंपॉर्टेंस काफी बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन चल रही है और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा है चाइना यहाँ पे, राइट? चाइना और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी हम लोग जानते हैं। चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, पाकिस्तान में की है, बांग्लादेश में की है, बहुत सी जगह पे, मालदीव्स एक्सेट्रा, एवरीवेयर दे हैव रीच। तो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे कंपटीशन, नॉट जस्ट चाइना, चाइना तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे दूसरे पावर्स भी आ रहे हैं। UK, USA, फ्रांस हैव आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंडियन ओशन रीजन। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में पायरेसी और ड्रग ट्राफिकिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये कहा जाता है कि एक साल में ऑन एन एवरेज 2000 kg हेरोइन इंडियन ओशन रीजन से ट्राफिक किया जाता है। इसके अलावा पायरेसी की प्रॉब्लम हम लोग जानते हैं, सोमाली पायरेट, सोमालिया के पायरेट्स, वी ऑल नो द प्रॉब्लम ऑफ दीज पायरेट्स। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम जरूर हो रही है, मैरिटाइम पोल्यूशन इज अनदर प्रॉब्लम। देखिए सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आप इस चैलेंज को ना माने, लेकिन फिर भी एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें जरूर मानना चाहिए, दिस अ बिग चैलेंज। इसके अलावा मैरिटाइम डिजास्टर्स आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम एंड वी ऑल नो दैट इंडियन डॉक्ट्रिन में HADR आता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। इंडिया इज अ वेरी प्रोमिनेंट मेंबर इन दिस, वी हैव हेल्प्ड मेनी कंट्रीज, जैसे कि हम लोगों ने मालदीव्स की मदद की है, सेशेल्स, श्रीलंका, सुनामी के दौरान भी हम लोगों ने श्रीलंका की बहुत मदद की थी। इसके अलावा ग्लोबल टेररिज्म हमेशा थ्रेट है, टिपिकल एग्जाम्पल 26/11, क्योंकि सी रूट से ही आए थे ये टेररिस्ट, तो ग्लोबल टेररिज्म को भी काउंटर करना है। तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे हमारे NMSC जी अशोक कुमार के सामने। इसके अलावा इंडिया की जो सबसे बड़ी डॉक्ट्रिन है सागर इनिशिएटिव हम लोगों ने शेयर, सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडिया इंडियन ओशन रीजन में एस्पायर करता है कि हम लोग नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने यहाँ पे, तो इस चीज के चलते बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे कि मैरिटाइम सिक्योरिटी डोमेन में इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स बनने की जरूरत है, ताकि वो जो भी नेबर्स है यहाँ पे उन्हें सपोर्ट करे और इंडियन ओशन रीजन में अपना दबदबा बनाए रखे और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने इवेंचुअली। तो ये सारी चैलेंजेस आएंगी NMSC के सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट टाइम। सो लेट अस वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स विल इवॉल्व, कैसे मैरिटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रेंथन होगी अंडर द नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। उसके ऊपर कोई खबर आएगी, कोई अपडेट आएगी, तो विल डिस्कस एज सून एज पॉसिबल ऑन StudyIQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।